आज का सेशन आप इन तक देखेंगे तो आपको इस डीआई का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, इसमें किस तरह की वर्किंग है आपको क्लियर हो जाएगी और आप पूरी तरह से श्योर हो जाएंगे, आपको टेंशन नहीं होगी। आइए इस प्रश्न को पढ़ा जाए। प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। जब मैंने इसको रीड किया तो निश्चित तौर पर हमको भी ये कन्फ्यूजन आई कि हम लोग इसको प्रॉपर किस वे में लेके चले कि आपको समझने में समस्या ना हो। करना अलग चीज होता है, समझना अलग चीज होता है। यहाँ पर एक परीक्षा में संस्कृत और कंप्यूटर में प्राप्त अंकों के आधार पर 100 छात्रों का वर्गीकरण किया गया है। विषय दो हैं, एक संस्कृत है, दूसरा कंप्यूटर है। यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए हैं, अच्छा मार्क्स जो नंबर्स हैं वो 50 में से हैं, मतलब मैक्सिमम मार्क्स उस परीक्षा का 50 है, पूर्णांक 50 है। बच्चे टोटल 100 है, टोटल कितने हैं 100 है, 100 बच्चों की बात की गई है। दो विषय इन्वॉल्व किए गए हैं और लास्ट में एक नीचे लिखा औसत, मतलब कुल, एवरेज एग्रीगेट इसको मेंशन किया गया है। डेटा कैसे दिया गया, 40 और ऊपर, 40 और ऊपर, 30 और ऊपर, 20 और ऊपर, 10 और ऊपर, 0 और ऊपर। अब यहां पर एग्जैक्ट हमको फिगर नहीं दिया है कि किस नंबर में कितने बच्चे आ रहे हैं। यह अगर समझना है तो पहले तो आप लोग पहले इसके पहले बोर्ड पर चलिए, मैं वहां पर प्रॉपर समझाता हूं, जो बेसिकली सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स का भाग होता है। जब आपको डेटा क्लास इंटरवल के साथ दिए जाते हैं, कभी ऐसा हो कि जैसे किसी स्कूल में एक टेस्ट हो, मैं इसी चीज को वहां पे थोड़ा सा आपको अपडेट करूंगा तभी क्लियर हो पाएगा। आपको जो डेटा दिया गया इसमें आप समझ ही नहीं पा रहे हैं किस नंबर को पाने वाले कितने बच्चे हैं, आप एक रेंज को पा रहे हैं, रेंज में भी प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, मतलब क्लियर नहीं किया गया है। आपको बताया गया कि 40 से ज्यादा नंबर पाने वाले कुल 8 बच्चे हैं संस्कृत में, 40 से ज्यादा पाने वाले कुल 5 बच्चे हैं कंप्यूटर में और 10 हैं टोटल। इसी प्रकार से 30 से ज्यादा पाने वाले, अब 30 से ज्यादा कहां तक जा रहे हैं कंफर्म नहीं है, 31 पाए हैं संस्कृत में, 20 पाए हैं कंप्यूटर में, 25 पाए हैं टोटल में। ऐसे 20 से ज्यादा वाले 81 पाए हैं कंप्यूटर। अब यहां थोड़ा सा इस प्रकार को अगर इसको समझना है तो मैं कुछ जो बातें बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा सा स्पष्ट करिए। आइए थोड़ा सा पहले बोर्ड पर चलते हैं और कुछ चीजें आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एक मान लीजिए क्लास में टेस्ट कराते हैं हम लोग, टेस्ट सपोज करिए आउट ऑफ 50 कराते हैं, 50 का ही पूर्णांक रखते हैं, बच्चे उस स्कूल में 100 हैं। अगर उसी डेटा को आप चाहे तो ले सकते हैं, हमने कहा टोटल चलो 100 है लेकिन हम डिफरेंट डेटा भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं है, हमें कंफर्म चीजें समझ में आएगी। मुझे इस 100 बच्चों के 50 नंबर में या 50 में, मतलब जो 50 का टेस्ट हुआ है उसके सभी बच्चों की जो है हमें आंसर शीट देनी है, मतलब उनको बताना है कि कौन कौन बच्चा कितने नंबर पाया है, उनका एक रिकॉर्ड हमें मेंशन करना है, चस्पा करना है, बोर्ड पे लगाना है, दिखाना है। अब एक एक बच्चे की इन्फॉर्मेशन अगर आप दिखा सके तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर हम ऐसी स्थिति है कि 100 बच्चे टोटल है, 50 का टेस्ट है, किसी भी हालत में 50 लाइन आपको बनानी पड़ेगी, तो यह संभव नहीं होता। इसके लिए हमें क्लास इंटरवल्स अर्थात वर्ग अंतराल का सहारा लेना पड़ता है, कंटिन्यूअस डेटा के आधार पर इस डेटा को प्रेजेंट किया जाता है, जहां पे हम क्लास इंटरवल बनाते हैं और कहते हैं कुछ इस प्रकार से कि 0 से 10 नंबर पाने वाले, 10 से 20 पाने वाले, 20 से 30 पाने वाले, 30 से 40 पाने वाले और 40 से 50 पाने वाले, ये हमारे पास होता है क्लास इंटरवल, इसको कहते हैं वर्ग अंतराल। यहाँ पर हम एक लिखते हैं फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं बारंबारता। बारंबारता में बताया जाता है कि 0 से 10 नंबर पाने वाले कुल कितने बच्चे हैं, तो 0 से 10 नंबर पाने वाले सपोज करिए हमने कहा 15 बच्चे हैं, 10 से 20 पाने वाले हमने कहा चलो 20 बच्चे हैं, 20 से 30 पाने वाले सपोज करो 25 बच्चे हैं, ठीक है, ऐसे हमने कहा 30 बच्चे हैं। अब टोटल जोड़ लीजिए कितना हो गया, 40, 20, 60, 30, 90, 10 बच्चे हो गए जो 40 से 50 में उनको नंबर मिला है। हमें यहाँ पर एक और प्रकार की, ये तो फ्रीक्वेंसी है जिसको आप बारंबारता कहते हैं, अर्थात 15 बच्चे हैं जिनको 0 से 10 के बीच नंबर मिला है। अगर आपको 1 मिला है, 2 मिला है, 3 मिला है, 4 मिला है, 9 से 10 तक मिला है तो आप इस ग्रुप में हैं, पहले वाले में। अगर आपको 10 से 20 के बीच मिला है तो आप इस ग्रुप में हैं। अगर 20 से 30 मिला है इस ग्रुप में है, 30 से 40 इस ग्रुप में है, 40 से 50 इस ग्रुप में है, जैसे ग्रेडिंग सिस्टम होता है, इतने से इतने मार्क्स में है तो आपका ग्रेड ए है, इतने से इतने मार्क्स में है ग्रेड बी है, इस प्रकार से ग्रेड डिसाइड किया जाता है। यहाँ पर एक और फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम लोग कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हिंदी में कहा जाता है संचयी बारंबारता। जो आपको वह डेटा टेबल दिया गया है एक्चुअली वह संचयी बारंबारता है, हिंदी में संचयी बारंबारता, अंग्रेजी में इसको हम CF या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी दो प्रकार की होती है, एक LCF होती है जिसको कहते हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक MCF होती है जिसको हम कहते हैं मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। दोनों का फर्क समझिए और इसी का अप्रोच आपको दिखेगा आपको जो प्रश्न दिया गया है।
एलसीएफ क्या है ध्यान से देखिएगा, हम पहले एलसीएफ की बात करते हैं। मतलब कभी कभी किसी डेटा में आपको एलसीएफ दिया है और सही सही आंकड़ा दिया ही नहीं है। जैसे अभी यहाँ पे भी एग्जाम में अब जो आपको डीआई दी गई उसमें वही कॉन्सेप्ट है, आपको कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी तो पता है, एक्चुअल फ्रिक्वेंसी एक्चुअल बारंबारता तो आपको दिया ही नहीं है। एलसीएफ देखो कैसे जनरेट होता है और एलसीएफ से हम ओरिजिनल कैसे बनाते हैं, दोनों बातें मैं आपको कन्फर्म करता हूँ। हम कहेंगे 10 से कम नंबर पाने वाले कितने बच्चे, जब बात एलसीएफ की आएगी तो हमारे वर्ग अंतराल में हम बड़े के पास जाएंगे, एक्चुअली क्लास इंटरवल में एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, हम बड़े के पास जाएंगे और कहेंगे तुमसे कम कितने लोग हैं, तो 0 से 10 में कितने लोग हैं, 15, तो इसका मान यहाँ 15 ही हो जाएगा। फिर कहेंगे भैया 20 से कम पाने वाले कितने लोग हैं, तो 20 से कम का मतलब 20 से 10 और 10 से 0, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 35 होगा। फिर हम कहेंगे 30 से कम पाने वाले कितने लोग हैं, तो 30 से 20 होगा, 20 से 10 होगा, 10 से 0 होगा, तीनों को जोड़ेंगे तो यहां पर ही हो जाएगा 60। अगर हम कहेंगे 40 से कम, इसमें 30 और जोड़ दीजिए 90, और अब 50 से कम तो 10 और जोड़ दीजिए 100। सिस्टम ये होता है, मतलब आप समझे होंगे जो मैंने बनाने की कोशिश करी बताने की आपको, कि 0 से मतलब 10 का डेटा टोटल 15 थे, मतलब 15 बच्चे थे, मैं कह रहा हूँ 15, 10 से कम पाने वाले कितने बच्चे हैं, आपने कहा 15, हमने कहा 20 से कम, तो 20 से 10, 10 से 20, दोनों को जोड़ दीजिए 35, 30 से कम, 30 से 20, 20 से 10, 10 से 0, तीनों जोड़िए तो 60, 40 से कम, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, 10 से 0, टोटल जोड़िए 90, 50 से कम 10 और जोड़ दीजिए तो 100, सभी 100 बच्चों का इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। इसको लिखा कैसे जाता है, इसका एडिटिज यही होता है, इसको इसमें जोड़ दीजिए यह हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए यह हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए यह हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए यह हो जाएगा, हो गया। कभी आपको केवल यही दिया है कि लेस देन, आपको यह पता ही नहीं है और केवल इतना पता है, और आप फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते तो कैसे निकालेंगे, निकालेंगे कैसे, 15 का 15 होगा, इसमें से 15 घटा दें यह हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दिया हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दे यह हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दें तो आपका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, और इसमें से इसको घटा दिया हो जाएगा। देखिए फ्रीक्वेंसी आ गई कि नहीं, आ गई। ये हो गया भैया एलसीएफ। अब एक दूसरी फ्रीक्वेंसी आती है, दैट इज कॉल्ड ईएमसीएफ। ईएमसीएफ को कहते हैं मोर देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, मोर देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। जैसे हमने लेस देन की बात की, अब इसको भूल ही जाइए इन दोनों को, अब केवल इसकी मदद लीजिए और ईएमसीएफ क्रिएट करिए। ईएमसीएफ क्या है, जो आपके फिगर में, जो आपकी डीआई में, जो फॉरेस्ट गार्ड की डीआई आई थी उसमें दिया हुआ, एक्चुअली ईएमसीएफ ही दिया है। कैसे होता है, आप वहां भी पढ़िए तो ऐसे लिखा है, जैसे मैंने एलसीएफ के लिए बोला 10 से कम, उसने कहा 0 से ज्यादा। देखिए सबसे पहले उसने लिखा है 0 से ज्यादा, तो हमसे कहा 0 से ज्यादा नंबर पाने वाले टोटल सभी बच्चे इन्वॉल्व हो जाएंगे 100। देखिए 100 लिखा, फिर कह रहा है 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा मतलब 0 से 10 वाला घटा दो, मतलब 15 घटा दे तो 85 हो जाएगा। ठीक है, 100 में से 15 घटा दे, भाई कह रहा 10 से ज्यादा, जैसे उसने कहा था 10 से कम, फिर कहा था 20 से कम, फिर कहा था 30 से कम, ऐसे कह रहा 0 से ज्यादा मतलब सबको ले लो, फिर कह रहा 10 से ज्यादा मतलब पहला वाला घटा दें, 100 में से 15 घटा दे 85। अब हम कह रहे 20 से ज्यादा मतलब इन दोनों को चाहे 100 से घटा दे चाहे 85 से 20 घटा दे, 85 से 20 घटाइए 65। ठीक है, फिर कह रहा 30 से ज्यादा मतलब इन तीनों को चाहे 100 से घटा दे चाहे 65 से 25 घटा दे, 65 से 25 घटा दे 40, 65 से 25 घटा दे कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, इसके बाद अब हम कह रहे हैं 40 से ज्यादा, तो ऐसे में 40 से 30 घटा दें तो 10 जोड़ दीजिए, ये भी आपके लिए उसी प्रकार का इंफॉर्मेशन है। यही डेटा एक्चुअली आपकी डीआई में दिया गया है, फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है, ये वाला डेटा हमको नहीं पता है, हमारे पास उस फिगर में उस डीआई में ये डेटा दिया गया है। मुझे एक्चुअली आवश्यकता पड़ेगी इस डेटा का यूज करते हुए, जैसे आप ऐसे समझिए हमको जो वहां पे लिखा था 0 से ज्यादा, ऐसे भी नहीं लिखा था, लिखा था 0 से ज्यादा वह यह है, फिर लिखा था 10 से ज्यादा वह यह है, फिर लिखा था 20 से ज्यादा वह यह है, फिर लिखा था 30 से ज्यादा वह यह है, फिर लिखा था भैया 40 से ज्यादा, हमने कहा 10 है, मतलब 0 से ज्यादा सब पाए हैं ना, हाँ पाए हैं। अब 0 से 10 वाले को हटा दो, 20 से ज्यादा, 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा मतलब पूरे ए है, फिर 20 से ज्यादा फिर ए है। मुझे अगर इसकी मदद से वही फ्रीक्वेंसी एक्चुअली पता करनी हो हम कैसे करेंगे, इसका इसका अंतर देखो, फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूं मैं, इसका इसका अंतर करें तो यहां 15 हुआ, इसका इसका अंतर करें तो 20 होगा, इसका इसका अंतर करें तो कितना होगा, 25 होगा, इसका इसका अंतर करें 30 होगा, और ये एज इट इज होगा, मैच करा लीजिए इसी फ्रीक्वेंसी के बराबर आएगा।
हमारी उस डीआई में हमको यही चीज ध्यान देनी है कि हम उस एमसीएफ की मदद से हम जरूरत पड़े तो हम क्या निकाल सके इन फ्रीक्वेंसीज को। बहुत आसान भी है, कोई ऐसा नहीं, बहुत टफ चीज है, समझने की बात है। समझ लिया तो हम इससे इसको घटाकर इसकी फ्रीक्वेंसी, इससे इसको घटा के इसकी फ्रीक्वेंसी, इससे इसको घटा के इसकी फ्रीक्वेंसी, इससे इसको घटा के इसकी फ्रीक्वेंसी, और इसको एज इट इज लिख दे तो सबकी फ्रीक्वेंसी उसी मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी टेबल से क्लियर हो जाएगी जो आपको वहां पे दिया गया है। आइए थोड़ा सा डीआई को फिर से एक बार देखिए। लिखा है जीरो और ऊपर पूरे 100 है ना, पूरे 100 है, केवल किस विषय में, चाहे जिस विषय की बात करो, संस्कृत, कंप्यूटर या टोटल। 10 और ऊपर 91 है, तो अगर मुझे इसको 0 से 10 बनाना हो, इसको 0 से 10 बनाना हो, इसकी फ्रीक्वेंसी 9 हो जाएगी। इसे 10 से 20 बनाना हो, इसकी फ्रीक्वेंसी 10 हो जाएगी। इसे 20 से 30 बनाना हो, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी पता है, 50 हो जाएगी। मुझे इसको अगर 30 से क्या बनाना हो, 40 बनाना हो, इसको 30 से 40 बनाना हो, इसकी फ्रीक्वेंसी 23 हो जाएगी। इसको 40 से 50 में 8 ही रहेगा, ये कन्फर्म है। ऐसे सबकी फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं जरूरत पड़ने पर, ना पढ़े तो कोई फर्क नहीं, सब क्लियर हो जाए। अगर प्रश्न को पढ़ के क्लियर कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, हम वहीं से डेटा आंसर कर सकते हैं। आपको मैं दिखाता हूं प्रश्न कैसे पूछे गए हैं इसी फिगर पर। पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर में कट ऑफ अंकों के रूप में 30, मतलब कहा गया कंप्यूटर का कट ऑफ 30 है, कंप्यूटर का कट ऑफ 30 है, मतलब 30 पाओगे तो आप पास। कट ऑफ का सेंस ये होता है ना कि 30 पाओगे तो पास। और कुल मिलाकर कट ऑफ, कुल मिलाकर कट ऑफ कंप्यूटर में कट ऑफ और कुल मिलाकर कट ऑफ अंकों के रूप में 30 के साथ उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के बीच का अंतर कितना है। अब जैसे कट ऑफ क्या होता है, कट ऑफ मिनिमम मार्क्स होता है, उतना पाइए आप पास है, उससे ज्यादा पाया तो बड़ी खुशी की बात है। कंप्यूटर में 30 और ऊपर की संख्या 20 है और कुल मिला के अगर देखा जाए तो 25 है। अब आप कहोगे सर फ्रीक्वेंसी कैसे समझ ले रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, 30 और ऊपर मतलब 30 और ऊपर में 30 से 40 भी है, 40 से 50 भी है, उसका मान 20 है। अगर हमें केवल ये बताना होता 30 और 40 तो इसको घटा देते 15 आता और यह 5 रहता, तब भी जोड़ते देखिए 20 ही आता। कट ऑफ अगर 30 है कंप्यूटर का तो उसकी संख्या, उन बच्चों की संख्या जो कंप्यूटर में कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं उनकी संख्या 20 होगी, क्योंकि 30 या 30 से ऊपर की आंकड़े हमारे पास 20 है। और टोटल सभी विषयों की बात किया जाए, ओवरऑल एग्रीगेट की बात की जाए तो 25 है। कह रहा दोनों में अंतर क्या है, भैया दोनों में अंतर 5 है। देखो हमें बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, हम कर लिए, बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर नहीं समझ पा रहे तो हम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको संख्या निकालनी होती फ्रीक्वेंसी, देखो कैसे निकलता, इसकी फ्रीक्वेंसी 15 होती और इसकी 5, तो 15 5 तब भी देखिए 20 होता, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी 25 से 10 15 होती और 10 होता तब भी देखो यह 25 होता, यह 25 होता तब भी, या 20 होता तब भी, अंतर 5 होता। तो हमें जरूरत नहीं थी, हमें तो पता था 30 या 30 के ऊपर संख्या टोटल 20 है कंप्यूटर में और ओवरऑल में 25 है, तो दोनों का फर्क 5 है, तो 5 हमने आंसर कर दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है, 5 सी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यह संस्कृत में उच्च अध्ययन के लिए, आगे पढ़ने के लिए संस्कृत में कम से कम 60% अंक आवश्यक है। अगर पूर्णांक हमारा 50 है तो 50 का 60% क्या होगा, बोलिए 30 होगा, मतलब आप कम से कम 30 पाएंगे तब आप आगे बढ़ सकते हैं। कहा गया कि संस्कृत में अगर आप और आगे पढ़ना चाहते हैं तो जो यहाँ पे मार्क्स मिले इसका कम से कम 60% आप पाएं तब आप क्वालिफाइड हैं, मतलब आप 50 में कम से कम 30 पाएं तो आप क्वालिफाइड हैं। 30 या 30 से ज्यादा नंबर होगा तो आप उच्च शिक्षा संस्कृत में प्राप्त कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो कितने छात्र संस्कृत में उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए पात्र होंगे, मतलब 30 या उसके ऊपर, एकदम बर्बल हो गया, संस्कृत ए है 30 या ऊपर, उसकी संख्या 31 है। 30 या उसके ऊपर मतलब 30 से 40, 40 से 50 पाने वाले बच्चों की संख्या संस्कृत में 31 है। उत्तर फटाफट हम बता सकते हैं 31 है। अब आपको अगर सर अगर फ्रीक्वेंसी से सोचते तो भैया 30 और 40 का आंकड़ा कितना होता, 23 होता, और यह तो मैंने बोला था 8 ही होगा, तो 23 8 ऐसे भी जोड़ देते 31 आता। इसकी फ्रीक्वेंसी 30 और 40 की 23 होती, ठीक है। एक्चुअली 30 और ऊपर बोला है उसने ना, तो 30 से 50 तक की बात कर रहा है, मतलब 30 से 40 भी होल्ड किया है और 40 से 50 भी होल्ड किया है, इसलिए वह 31 था। केवल मैं कहता 30 से 40 तब वह 23 होता इसमें से इसको घटा के, और यह कहता 40 और उसके ऊपर मतलब 40 से 50 तो 8 ही रहता, तो 23 8 तब भी 31 आता, तो डायरेक्टली हमने 31 लिख दिया, तो क्या प्रॉब्लम है।
तो आंसर आपका 31 आया कि नहीं? बिल्कुल आया। आगे बढ़िए, कुल मिला के कम से कम 40% अंक प्राप्त करने वालों की तुलना में, तो पहले 40% सोचो क्या होगा, 40/100 × 50 मतलब 20 या 20 से ज्यादा जो पाएगा वह 40% होगा ना, 50 का 40% 20 होता है, 20 या 20 के ऊपर मतलब 40% से ज्यादा। पढ़िए क्या लिखा है, कम से कम 40% मतलब 40% या उससे ज्यादा, मतलब 20 अंक या उससे ज्यादा, 20 या 20 के ऊपर प्राप्त करने वालों की तुलना में, लेकिन इसने बोला कुल मिलाकर, मतलब इसकी बात मैं कर रहा हूं, 20 या उसके ऊपर प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 75। ऐसे भी देखना चाहे तो देख सकते हैं, घटा के देखिए 50, घटा के देखिए 15, जोड़ दीजिए तब भी आएगा, और ये 10, 75 तब भी आएगा। उसने बोला कि कुल मिलाकर अगर 60-40% छात्र अंक पाने वाले छात्रों की संख्या की बात किया जाए तो वह संख्या है 75। अब कम संस्कृत कंप्यूटर में कम से कम 60%, 60% मतलब 30, कंप्यूटर में 30 या उसके ऊपर सोचिए, तो कंप्यूटर में 30 या उसके ऊपर कितने हैं, 20। पढ़िए पूरी लाइन, कुल मिलाकर कम से कम 40% प्राप्त करने वाले छात्रों की तुलना में कंप्यूटर में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का प्रतिशत लगभग क्या है, यह क्या है, 20 गुणे कर दो 100 बटे कर दो 75, 25 या 75, 25 चौके 100, 20 चौके 80 बटा 3 कर दीजिए, 3 दूना 6, 2 0, 3 छंग 18, 26.66, तो लगभग 26.66 राउंड ऑफ होकर के 27% हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा, 27%। समझ रहे हैं ना, आप थोड़ा सा काट पीट के भी चल सकते थे, 5 चौके स्पीड तब भी जाते, वही चीज करना पड़ता। कंप्यूटर में 30 या 30 के ऊपर पाने वाले कुल 20 है, और कुल में 20 या 20 के ऊपर पाने वाले, क्योंकि 40% को 20 रिप्रेजेंट करेगा और 60% को 30 रिप्रेजेंट करेगा, तो 20 गुणे 100 बटे 75 कर दीजिए, आंसर तब भी आ जाएगा। अगला देखिएगा, कुल मिला के 40% से कम, 40% मतलब 20 नंबर, 20 अंक से कम, 20 अंक से कम प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या है, कुल मिला के 20%, जैसे कुल मिला मतलब नीचे वाले में रहेंगे, 20% से कम पाने वाले, सॉरी 20 अंक से कम पाने वाले छात्रों की संख्या क्या है। आप सोचो, हम 20 और उसके ऊपर 75 हैं, आप सोचो अगर 20 और उसके ऊपर आप 75 हो तो 20 से कम कितने होंगे, टोटल अगर 100 हैं तो 100 में से 75 निकाल दो, 25 होने चाहिए, तो राइट सोल्यूशन डी होगा, यही प्रश्न पूछा है। 40% से कम, तो पहले सोचो 40% से ज्यादा कितने लोग हैं, तो 20% मतलब 20 से ज्यादा ही तो 40% को रिप्रेजेंट करेगा, तो ज्यादा 75 अगर हैं तो 100 में से 75 घटा दे तो आपका कितना मान होगा, 25। अब आप कहोगे सर ऐसे नहीं समझ में आ रहा, देखिए ऐसे, इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब इसमें 0 से 10 में कितने होंगे, 15, 10 से 20 में कितने होंगे, 10, तो 15 10 क्या होता है, 25, क्योंकि इसके ऊपर तो जा नहीं पाओगे, इसके इधर ही लाना है, इसकी फ्रीक्वेंसी 15, इसकी फ्रीक्वेंसी 10, टोटल जोड़ दिया 25, राइट सोल्यूशन 25 है। चौथा प्रश्न क्लियर। पांचवा देखिए, यदि यह ज्ञात है कि कम से कम 23 छात्र कंप्यूटर पर एक संगोष्ठी के लिए पात्र थे, मतलब 23 बच्चे उस 100 में सेलेक्ट किए गए हैं जो कंप्यूटर की एक संगोष्ठी में, संगोष्ठी मतलब एक सेमिनार होता है, उसमें उनको सेलेक्ट किया गया है, एलिजिबल माना गया है, तो संगोष्ठी की पात्रता के लिए कंप्यूटर में से न्यूनतम योग्यता अंक किस सीमा में होगी, किस सीमा में मिनिमम वह रिक्वायरमेंट्स होगी जहां पे उन 23 बच्चों को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब हमें उन्हीं ग्रुप से लेनी है, सब जगह से नहीं लेनी है। तो जैसे आप फ्रीक्वेंसी का सोचिए, बात हम कंप्यूटर की कर रहे हैं, आप सोचो 0 से 10 में यहां जरूरत है उसकी, 0 से 10 में 20 होंगे तो इसको ले नहीं सकते, 10 से 20 में कितना होगा, 13 होगा, ले नहीं सकते, 20 से 30 में, 20 से 30 में, इसको 20 से 30 बोलेंगे, 7 होगा और 4 47, 47 जो आंकड़ा है वह 23 से ज्यादा है, कम से कम 23 बोला था, देखिए कम से कम 23 मतलब 23 हो या उससे ज्यादा, यहां तो 20 ही आ रहे हैं, इससे इसका अंतर करके देखिए, इससे इसका अंतर करके देखिए 13 आ रहा है, इसका अंतर करके देखिए 47 आ रहा है, इसका अंतर करके देखिए 15 आएगा, और यह 5 रहेगा, केवल एक आंकड़ा, एक वर्ग अंतराल 20 और 30, भले वहां पे 20 के ऊपर देखिए भैया 67 था, 20 और 30 में 47 है जो कि 23 से ज्यादा है, तो 20 से 30 लीजिएगा, 20 से 30 का जो आंकड़ा है, जो वर्ग अंतराल है, वही 23 छात्र जो संगोष्ठी के लिए एलिजिबल थे उनको रिप्रेजेंट करेगा,
तो न्यूनतम योग्यता 20 से 30 की है और यही सेलेक्टेड और सही आंसर है। आई होप यह डीआई आपको कंफर्टेबल हो, समझ आई होगी, आपके लिए कंफर्टेबल होगी। ध्यान से पढ़िए, रिवीजन करिए, एक दो बार कर लीजिए। पैटर्न ऐसे ही मिल सकता है, नॉर्मल डीआई आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, आपको डायरेक्ट डेटा देख करके तुरंत आंसर करना, लेकिन इस प्रकार की जब डीआई आएगी तो गारंटीड कन्फ्यूजन आएगा। मैं चाहता हूँ कि ऐसी डीआई आप एक बार एनालाइज किए रहेंगे, क्योंकि अगर सेम पैटर्न सेम ट्रेंड में वर्तमान में जो चीज़ें पूछी जाती है, जैसे अभी रिसेंट पूछी गई है, वही पूछे जाने की संभावना भी बन सकती है। तो प्रयास तो यही है कि आपको वो चीज़ तुरंत मिल जाए जो सेलेक्टेड है, जो जरूरी है अभी कभी, तो उसी कोशिश पे लगातार लगे हुए हैं। और आपको यह वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। डेली की कनेक्टिविटी के लिए डिस्क्रिप्शन का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिएगा, जिससे मैथ से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं अपडेट करता रहूँ आपको, और प्रतिदिन के इस रिस्पॉन्स के लिए आप हमसे जुड़े रहें। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक बात लास्ट में फिर से, आप अपनी डिमांड, अपने क्वेश्चंस, अपने फीडबैक, अपने सजेशंस हमें नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें, उसका इंतजार रहता है, उसी के हिसाब से मैं प्लानिंग आगे करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।